मारवाड़ के गांधी और किसान नेता स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की आज जयंती है। 1920 में कुचेरा में जन्मे मिर्धा ने नागौर को अपनी कर्मभूमि मनाते हुए राजनीति की शुरुआत की। कई मर्तबा विधायक और सांसद चुने गए, यहां तक कि 1977 में पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था, लेकिन नाथूराम मिर्धा चुनाव जीत गए। पंचायती राज को मजबूत करने और अन्य जनहित के कामों में मिर्धा का खूब योगदान रहा। प्रदेश में आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सियासत के पूर्वोधा के रूप में नाथूराम मिर्धा को माना जाता है। उन्हें प्यार से लोग बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। वो वाकई में जन नेता थे। जब वो चलते थे तो जनता का सलाम उनके साथ चलता था। पार्टी कोई भी हो, लेकिन जनता के दम पर चुनावों में जीत हासिल करना उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब नाथूराम मिर्धा ने 1977 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस विरोधी लहर में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। 1980 में कांग्रेस के विभाजन में वो इंदिरा गांधी के विरोधी कांग्रेस में चले गए और इस पार्टी के टिकट पर नागौर से सांसद भी चुने गए। इससे पहले 1952 के पहले चुनाव में नाथूराम मिर्धा जीत कर राज्य सरकार में मंत्री बने। आपातकाल के बाद जनता लहर की आंधी में राजस्थान में एकमात्र नागौर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता नाथूराम मिर्धा ने जीवन का आखिरी चुनाव अस्पताल की शैया से लड़ा था। दरअसल 11वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान नाथूराम मिर्धा दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती थे। बतौर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी मिर्धा को चुनाव लड़वाया गया। चुनाव जीतने के बाद 74 साल की उम्र में नाथूराम मिर्धा का 30 अगस्त 1996 को निधन हो गया। नाथूराम मिर्धा का राजनीतिक सफर। नाथूराम मिर्धा का जन्म 20 अक्टूबर 1921 को नागौर जिले के कुचेरा कस्बे में हुआ। उनके पिता का नाम थाना राम मिर्धा था, जो तत्कालीन स्टेट में कर्मचारी थे। मिर्धा ने जोधपुर के दरबार स्कूल से 10वीं फर्स्ट डिवीजन से पास की। उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया, जबकि 1944 में वकालत की डिग्री हासिल की। 1946 में उन्होंने वकालत शुरू की। 1947 में देश आजाद हुआ और वो जोधपुर में किसान सभा में शामिल हुए। 1952 से लेकर 1967 तक के आम चुनाव में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न हुए थे। चौथी लोकसभा का कार्यकाल 1967 से 1972 तक था। इस दौरान 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग की गई। 1971 में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। नाथूराम मिर्धा ने पहली बार 5वीं लोकसभा के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के नंद कुमार को पराजित किया। संयोगवश 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1976 में समाप्त होना था। जून 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद संविधान संशोधन करके लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई और जनवरी 1977 में 6ठी लोकसभा के चुनाव में नाथूराम मिर्धा ने न केवल नागौर सीट पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रखा, बल्कि 1996 में अपने जीवन काल के अंत तक वो सांसद रहे। नाथूराम ने जीवन भर किसान, दलित और अंतिम व्यक्ति के हित की बात की। ऐसे में आज भी वो लोगों के दिलों में राज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।